हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एजुकेशन एरिया पर आप सभी का स्वागत है। तो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो उसके अंदर आज हम लोग देखने जा रहे हैं रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन। ओके, तो इसके पहले हमने सिर्फ सेगमेंटेशन देखा था, सेगमेंटेशन होता क्या है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सेगमेंटेशन का एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा इमेज हो गया, ठीक है, उस इमेज को हम लोग वेरियस रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, कुछ रीजन में डिवाइड कर देंगे और उसके ऊपर कुछ अलग अलग रूल्स रहेंगे, वो रूल्स अप्लाई करेंगे और इमेज को और एनहांस और जो उसकी की फीचर जो हमको चाहिए उसको पाने के लिए, जो डिजायर आउटपुट है हमारा वो पाने के लिए, जो की फीचर उसको पाने के लिए हम लोग सेगमेंटेशन का मेनली यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, सेपरेटिंग रीजन एंड परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ गिवन रूल इन अ ऑपरेशन। तो जो कुछ भी ऑपरेशन में जो रूल दिया रहेगा उस रूल को हम लोग लगाएंगे उस पर, और रीजन को स्प्लिट करने के बाद हम लोग इमेज को और भी एनहांस और की फीचर को फाइंड करने के लिए उस पर वो रूल्स लगा देंगे, राइट। तो सेगमेंटेशन सिर्फ आपका एक सिंगल प्रोसेस होता है जहाँ पे हम लोग इमेज को डिवाइड करते हैं अलग अलग पिक्सल्स में। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन में तीन टाइप के होते हैं। तो दरअसल तीन नहीं, चार टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से टाइप के हमारे सेगमेंटेशन होते हैं, रीजन सेगमेंटेशन। तो पहला जो आता है वो होता है आपका रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन, जहाँ पे आपका जो रीजन होगा वो ग्रो होगा, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे उसको। उसके बाद जो दूसरा है आपका वो होता है रीजन स्प्लिटिंग सेगमेंटेशन। तीसरा जो है आपका वो होता है रीजन मर्जिंग सेगमेंटेशन। और जो फोर्थ वन है वो है आपका रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेगमेंटेशन। ओके, तो ये जो फोर्थ वन है ये दो का कॉम्बिनेशन है, जो कि स्प्लिटिंग और मर्जिंग वो एट ए टाइम इसमें हो जाता है, ठीक है, फोर्थ वन में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन होता क्या है। ओके, तो ये हमारा रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन है। तो जैसे कि इन दिस सेगमेंटेशन वी ऑलवेज यूज टू कंसीडर अ ओरिजिन ऑफ द मैट्रिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स गिवन इन द ऑपरेशन, इफ द रूल आर सेटिस्फाइड देन वी यूज टू मेक द रीजन ग्रोइंग टिल वेन द रूल इज सेटिस्फाइड। तो जब तक रूल हमारा सेटिस्फाई होगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, रीजन को ग्रो करते रहेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ तो सपोज हम लोग यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। ओके, 8x8 का एक मैट्रिक्स हम लोग ले लेंगे यहाँ पे, ओके। तो सपोज मैंने ये एक तरीके का एक इमेज ले लिया, राइट। अब मेरे को करना क्या है, मैं यहाँ पे एक ओरिजिन ढूंढूंगा, एक तो ये हो जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और पिक्सल, एक और रो ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो जैसे कि ये मेरा सेंटर पॉइंट, ओके, तो मैं ये ओरिजिन पे चला जाऊंगा और मैं एक रूल रहेगा, ओके, एक रूल रहेगा जो कि आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, वो रूल्स को आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। एक लिमिटेशंस रहेंगी, एक लिमिटेशन रहेगी, तो वो लिमिटेशन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा जो इसके एडजेसेंट जो पिक्सल्स रहेंगे, ये साइड के हो गए या फिर इस कॉर्नर के हो गए, अगर ये रूल को सेटिस्फाई करेगा, अगर इसके लिमिटिंग के बीच में अगर ये पिक्सल की वैल्यू रहेगी तो ये जो रीजन रहेगा ये ग्रो होगा, ठीक है। जहाँ तक ये रूल फॉलो करेगा तो उतना रीजन आपका क्या होगा, उतना ही रीजन आपका ग्रो होगा। तो सपोज अगर ये इधर तक अगर फॉलो कर रहा था, इतने रीजन को अगर फॉलो कर रहा था, इतने पिक्सल को अगर फॉलो कर रहा है, तो आपका इतना ग्रो होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ जाता है, अगर इधर तक भी अगर चला जाता है, तो आपका ये इमेज, सपोज अब ये वाला ये अगर फॉलो कर रहा है, तो आपका इमेज इस तरीके का कुछ बन जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा फॉलो कर रहा है तो पूरा का पूरा ये जो आपका इमेज दिया है वो पूरा का पूरा इमेज आपका फॉलो कर रहा है, तो ये सिंगल रीजन जैसा काम करेगा, राइट। तो ये होता है आपका रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन, कि इसमें आपका क्या होगा, रीजन जो रहेगा वो ग्रो होगा विद द हेल्प ऑफ कुछ रूल दिया रहेगा। अगर सेम पिक्सल है तो पिक्सल के हिसाब से वो रीजन आपका ग्रो होगा, तो उसको हम लोग सिंपली कहते हैं रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन। ओके, जो दूसरा है वो है हमारा रीजन स्प्लिटिंग सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सपोज इसी तरीके का, अगर मैं आपको एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो ये एक तरीके का हम लोग ले लेते हैं और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें सपोज इसके अंदर कुछ रूल्स दिए रहेंगे,
अगर रूल को अगर सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है, तो हमारा ये जो पूरा एक इमेज है वो एज अ सिंगल रीजन काम करेगा। अगर सेटिस्फाइड नहीं करता, अगर वो रूल सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग इमेज को डिवाइड कर देते हैं चार हिस्सों में, जो भी उसका ओरिजिन पॉइंट रहेगा उस ओरिजिन पॉइंट से। तो ये हमारा बन जाएगा रीजन आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री और ये आर फोर। सपोज अगर अब इसमें क्या हो गया, हमारा स्प्लिट हो गया, अब रूल दिया रहेगा, कुछ तो भी रूल दिया रहेगा, अगर उस रूल को अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग स्प्लिट नहीं करते, ओके। अगर वो रूल सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको स्प्लिट करना पड़ेगा, अलग अलग रीजन में उसको बांटना पड़ेगा। अब फिर से मैं इस रीजन में आऊँगा, फिर इस रीजन में वो रूल लगाऊंगा, अगर सेटिस्फाई हो गया तो एक सिंगल क्या बन जाएगा मेरा, एक सिंगल रीजन बन जाएगा। अगर सपोज मेरा आर टू रीजन जो है, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है रूल को, मैं क्या कर दूंगा, इसको भी डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, चार हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूंगा। फिर ये मेरा एक ये एक रीजन बन जाएगा, जैसे आर फोर, फिर ये आर फाइव, ये आर सिक्स, ये आर सेवन, ये आर एट हो जाएगा। अगर ये भी मेरा अगर सेटिस्फाई अगर कर लेता है तो ये एक सिंगल रीजन रहेगा, अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है तो ये भी एक सिंगल रीजन रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर रूल फॉलो करता है, ठीक है, तो हम लोग उसको स्प्लिट नहीं करते। अगर रूल फॉलो नहीं करता है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वो जो इमेज रहेगा, वो जो पिक्सल्स रहेंगे, उन पिक्सल्स को हम लोग स्प्लिट करेंगे, और इस तरीके से हम लोग रीजन स्प्लिटिंग सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि एक्चुअली रीजन ग्रोइंग कैसे होता है सेगमेंटेशन में, अगेन रीजन स्प्लिटिंग कैसे होता है सेगमेंटेशन में। तो वो इस तरीके का भी अगर आपने आंसर अगर लिख देते हैं तो आपको गारंटी है कि अगर ये 6 से 7 मार्क के लिए क्वेश्चन आ ही जाता है, ये तो डेफिनेटली पक्का है, तो आपको आराम से इसमें 7-8 मार्क अगर आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे अगर दिखाते हैं एग्जामिनर को, तो आपको गारंटी है कि इसमें आउट ऑफ आउट मार्क मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2, रीजन ग्रोइंग सेगमेंटेशन, और ये वाला है आपका रीजन स्प्लिटिंग सेगमेंटेशन। उसके आगे जो है हमारा, वो है हमारा रीजन मर्जिंग सेगमेंटेशन। तो रीजन मर्जिंग में क्या होता है, इसके अंदर अगर आप लोग डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो इसमें क्या दिया है, इन दिस सेगमेंटेशन वी यूजुअली डील ईच एंड एवरी पिक्सल एज अ रीजन। तो अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, अगर सपोज ये मेरा इमेज है, ठीक है, ये मेरा एक इमेज है, अब यहाँ पे मेरे जितने भी आपको पिक्सल दिखेंगे, जैसे कि R1, R2, R3, तो जितने भी पिक्सल रहेंगे मेरे, सारे के सारे क्या है, मेरे रीजन रहेंगे, ओके। यहाँ पे सारे के सारे जो पिक्सल्स रहते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ रीजन। तो सारे के सारे पिक्सल्स हैं, सारे के सारे क्या है, मेरे रीजन है, मतलब जितने पिक्सल्स रहेंगे उतना मेरे पास क्या रहने वाला है, उतने मेरे पास रीजन रहेगा, राइट। तो इधर इतने सारे मेरे पास रीजन है, अब इसके अंदर भी एक रूल होता है, ठीक है, वो रूल रहेगा। अगर वो रूल अगर आपका सेटिस्फाई होता है, सपोज रूल अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो R1, R2, R3 अगर ये सेम पिक्सल होते हैं, अगर इसके नीचे भी अगर कुछ पिक्सल्स हैं, अगर इतने पिक्सल्स अगर मेरे सेम हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँगा, इतने पिक्सल्स को मर्ज कर दूंगा, ओके। तो ये मेरा सिंगल रीजन बन जाएगा, अगर सबके अगर अगर सारे के सारे रूल को अगर फॉलो कर लेते हैं तो मेरा सिंगल एक रीजन बन जाएगा। और सपोज अगर इतना ये जो रीजन है अगर सेटिस्फाई नहीं करता है रूल को, तो इसको मैं सेपरेटली रखूंगा, जैसे कि R4, R5 इधर रहेगा मेरा, कुछ R7, R8 जो भी आपके हिसाब से जो वैल्यू आती होगी, तो ये अलग हो जाएगा। अगेन अगर इतना जो रीजन है, अगर ये रीजन भी अगर मेरा सेटिस्फाई कर लेता है, तो ये जो रीजन है इसमें जितने भी पिक्सल्स हैं हमारे क्या है, रीजन है, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, तो ये भी एक सिंगल रीजन बन जाएगा। तो जैसे स्प्लिटिंग होता था, स्प्लिटिंग का अपोजिट क्या है हमारा, मर्जिंग। मर्जिंग में क्या होता है, हम लोग अलग अलग पिक्सल्स रहेंगे, अलग अलग रीजन्स रहेंगे, उन रीजन्स को एक साथ में कलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे, और वो सिंगल रीजन बनाएगा। और स्प्लिटिंग में क्या था आपका, स्प्लिटिंग में आपके पास एक ही इमेज था, तो उसमें जो एक इमेज था जो हमारा स्प्लिटिंग में अगर मैं बताऊँ, तो स्प्लिटिंग में क्या रहता है, ये हमारा सिंगल रीजन रहता है। अब अगर ये रीजन अगर सेटिस्फाई नहीं करता है रूल को स्प्लिटिंग में, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इमेज को, और फिर उसके अंदर अलग अलग रीजन बनाते हैं, ठीक है। रीजन बना के हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर रूल्स को लगाएंगे, अगर ये पिक्सल अगर मेरा सेम है तो ये मेरा ठीक है, अगर ये अलग हो जाता है तो मैं फिर से इसको स्प्लिट कर दूंगा। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग करते हैं और मर्जिंग इस तरीके से करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्थ है हमारा, वो होता है हमारा रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग।
तो रीजन स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग, ये दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन होता है काय का, स्प्लिटिंग का और मर्जिंग का। तो इसमें स्प्लिटिंग भी होती है, मर्जिंग भी होती है। अब वो रहेगा रूल के अकॉर्डिंग, जो आपका रूल बोलेगा उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करने वाले हैं, इमेज को मर्ज करेंगे, अदरवाइज उसको स्प्लिट करेंगे। अगर रूल को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको पर्टिकुलरली बोला रहेगा वहाँ पे स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग के थ्रू हमको क्या करना है, रीजन का सेगमेंटेशन करना है। तो इन दोनों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन का यूज़ करके हम लोग उस इमेज को सेगमेंटेशन करने के लिए, स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग दोनों का यूज़ करके हम लोग वो इमेज को और भी एनहांस, और भी उसकी क्वालिटी जो रहेगी उसकी क्वालिटी को, कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगेन जो की फीचर्स आपको चाहिए वो की फीचर्स हम लोग सिंपली पता कर सकते हैं। तो ये था आपका सिंपली रीजन बेस्ड सेगमेंटेशन इन इमेज सेगमेंटेशन, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पूरा समझ में आया होगा, पूरा जो भी डाउट्स होंगे क्लियर होंगे। अगर अदरवाइज अगर आपके और भी कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो वो जो कमेंट है, जो डाउट है, वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने का, ठीक है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके आप लोग शेयर करें, ताकि आपके मदद से, आपके द्वारा भी दूसरों का हेल्प हो सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।